हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये स्टार वाला कुशन कवर का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। बनाना भी एकदम इजी है। आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये मेरा कुशन कवर का डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने 3 कलर का कपड़ा लिया है। ये हमारे 3 कलर हैं। ये कपड़ा मैंने कटिंग में काट लिया है। इस तरह से कट करके मैंने ये ब्लॉक्स बना लिए हैं। ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं इस कलर के। ये भी हमारे 4 हैं और ये भी 4 4 हमारे 16 पीस हैं। ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ये हमारे मेजरमेंट में, जैसे ये 4 इंच है, यहाँ से 4 इंच है और इस साइड से भी हमारा ये 4 इंच है। 4x4 का ये हमारा ब्लॉक है। ये भी हमारा 4x4 का है, ये भी 4x4 का है। ये ब्लॉक्स हमारे 3.5 इंचेस के हैं। ये देखिए 3.5 इंचेस, इस साइड से भी 3.5 इंचेस का ये हमारा ब्लॉक है। यही ध्यान रखना है, ये हमारे 3 एक सेम साइज के बनेंगे और ये हमारा 3.5 इंच का बनेगा। ये 3, ये हमारे 4 पीस है, इनको हम अलग रख लेंगे, इनका हम बाद में करेंगे यूज। अब ये 3 पीस हैं हमारे, तीनों को रेडी करते हैं। ये मैंने तीनों पीस रख दिए हैं, 4-4 पीस हैं हमारे, 4 और 4, ये 4 हमारे 4 हैं। अब ये पीस लेंगे हम और ये हमारा वाइट पीस आएगा, इस तरह से मिलाएंगे और ये एक पीस लेंगे, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, इसमें हमारा वाइट आएगा। ये हमारे 2 बन गए हैं। अब तीसरा भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये हमारा रेड है और ये हमारा ऐसे आएगा और ये हमारा ये येलो कलर का है, यहाँ पे ऐसे रखूंगी। अब ये हमारे 2 रेड कलर के ऊपर आ गए हैं वाइट और ये 2 हमारे ऑरेंज कलर के ऊपर आ गए हैं। अब ये हम सेट करेंगे, जैसे ये हमारा रेड पीस है तो इसके ऊपर हम ये ऑरेंज लगाएंगे और ये हमारा रेड है, इसके ऊपर हमारा ये ऑरेंज आएगा। इस तरह से हम सेट कर लेंगे ये पीसेस। ये हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इनको साइड में कर लेंगे और एक पीस हम रेडी करेंगे। जैसे हमारा ये पीस है, 2 पीस है हमारे रेड और ये, तो ये हमने इस तरह से रखा है। अब हम यहाँ से तिरछी लाइन लगाएंगे, दोनों कोनों को मिला के ऐसे तिरछी लाइन लगाएंगे। अब ये लाइन लग गई है, अब एक लाइन और लगाएंगे इसकी साइड में हम, इतना छोड़ के ये लाइन मैंने लगा दी है। अब इसके साइड में भी हम एक लाइन लगाएंगे, जितना इधर छोड़ा है उतना ही हम इधर छोड़ के लाइन लगाते हैं। ये हमारी ऐसे लाइन लग गई है। अब हम सिलाई करेंगे, जैसे ये साइड की लाइन है और ये साइड की, यहाँ पे हम सिलाई करते हैं। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, इस साइड में लगी है हमारी सिलाई और इस साइड में, यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब जैसे मैंने सेट करना बताए हैं वैसे ही हम इन पीसीस को, ये पीस जो काटे हैं मैंने, ऐसे ही हम कट कर लेंगे। ये देखिए सारे पीस मैंने सिलाई करके ऐसे रेडी कर लिए हैं। अब सभी को हम ऐसे सेंटर से कट कर लेंगे, इस तरह से सारे कट करते हैं। ये सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इन पीसीस को ऐसे सी करेंगे तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अब सारे पीसीस को हम ऐसे आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने कर दी है सभी पीसीस पे। अब हम एक पीस लेंगे, जैसे ये पीस लिया है मैंने, यहाँ पे हमारे ये कॉर्नर निकल आते हैं जब हम सिलाई करते हैं, तो ये हम कट कर लेंगे इस तरह से, ये साइड का भी। इस तरह से हम सारे पीसीस को कट के रेडी करते हैं। अब ये पीसेस मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। ये हमारे 4 पीस बने हैं, ये भी 4 बने हैं और ये भी हमारे 4 बने हैं। टोटल हमारे ये 12 पीस हैं। अब ये पीस हमारे रेडी हो गए हैं, इनको हम अरेंज करेंगे। जैसे ये कलर के हैं हमारे पास, ये 2 कलर के, इनको हम सेट करेंगे। जैसे ये पीस एक लगाएंगे और इसके सामने हम ऐसे लगाएंगे, ये हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा ये इस तरह से पीस आएगा और ये हमारा इस तरह से आएगा। एक हमारा ऑरेंज आएगा, एक रेड आएगा, ऑरेंज रेड ऐसे आएगा। तो ये हमारे 4 पीस ऐसे लग गए हैं।
अब हम ये रेड कलर के लेंगे, तो ये पीस उठाएंगे और ये रेड के सामने ऐसे आएगा हमारा, ये हमारी इस तरह से शेप बनेगी और ये हमारा इसके सामने ऐसे आएगा, ये रेड हमारा इधर आ जाएगा और ये रेड ऐसे आएगा, तो ये हमारे ऐसे बन गया है शेप। अब हम ऑरेंज कलर के लगाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ये ऐसे आएगा और ये हमारा इस तरह से, और ये साइड हमारी ऐसे आएगी, ये देखिए हमारा स्टार बन गया है। अब ये हमारे 12 पीस लग गए हैं। अब ये मैंने 4 पीस और निकाले थे जो साइड में रख लिए थे हमने, ये 3.5 इंच रखा था, ये हमने इसलिए रखा था 3.5 क्योंकि ये हमारी बीच में सिलाई आई है तो इसमें हमारा 1/2 इंच सिलाई में गया है, इसलिए हमने ये 3.5 इंच काटा है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और ये इस कॉर्नर में लगेगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमारा स्टार कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे 4 पीस हैं, पहले इनको हम सिलेंगे, ये पीस हैं हम इसके साथ यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये पीस है हमारा, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसके बाद हम ये पीस भी ज्वाइन करेंगे। ये चारों पीस मैंने जोड़ दिए हैं यहाँ पे सिलाई लगा के, इस तरह से हमारी सिलाई आई है। अब ये पीस हैं, इनको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे, ये सारे पीसेस को हम ऐसे 4-4 पीस जोड़ेंगे, सिलाई करते हैं इन सभी पे। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हमने पीसेस रखे हैं उसी तरह से हम सिलाई करेंगे, नहीं तो हमारा एक भी पीस आगे पीछे हो गया तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे जिससे ये सारी सिलाइयाँ हमारी बैठ जाएंगी, तो आयरन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आयरन कर दी है, तो हमारा कपड़ा एकदम देखिए एकदम अच्छे से बराबर बैठ गया है। अब क्या सिलने में भी हमें एकदम इजी रहेगा। अब हम ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा होता है, इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे सारी साइडों में। जैसे ये कपड़ा हमारा आगे पीछे है, थोड़ा थोड़ा ही है, इसको हम कट करके इस तरह से बराबर कर लेंगे, इस साइड से भी। अब ये कपड़ा मैंने ट्रिम कर लिया है सारे पीसेस का। अब हम इन पीसेस को ज्वाइन करेंगे, जैसे ये पीस है हमारा, इस पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। लेकिन सिलाई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, ये सिलाई और ये सिलाई हमारी, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो ब्लॉक बनेगा और डिज़ाइन बनेगा अच्छा बनेगा। ये सिलाई भी और ये भी हमारा एकदम बराबर मिला के फिर हम सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम ये कपड़ा उठा के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, वही ध्यान रखेंगे कि ये सिलाइयों से सिलाइयाँ हमारी एकदम बराबर मिले, फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये पीस भी हमारा ज्वाइन हो गया है। अब ये लास्ट पीस है, इसे भी हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब ये पीस हमारे सारे जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम आयरन करेंगे, जैसे ये हमारा बैक साइड है, तो जैसे ये हमारा सिलाई है, इसको हम ऐसे खोल के फिर आयरन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आयरन कर दी है। अब देखिए हमारा ये स्टार वाला डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है, एकदम हमारे बराबर आए हैं सारे पैचेस। ये हम हमारे डिज़ाइन तभी बराबर आएगा जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे, वो भी हमारे बराबर होनी चाहिए एकदम, और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो सिलाई से सिलाई मिला के स्टिचिंग करेंगे तो हमारा डिज़ाइन एकदम बराबर आएगा। अब ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ थोड़ा सिलाई करते टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे हम ऐसे स्केल रख के यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ये जैसे लाइन लगाई है, यहाँ पे भी हम पूरा बराबर कर लेते हैं चारों कोने। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, जैसे इसको हम कट कर लेंगे। अब चारों ओर से मैंने कट करके बराबर कर लिया है इस पीस को। स्टिचिंग के बाद हमारा रेडी हुआ है 12 बैंड 1/2 इंचेस। इस साइड से भी हमारा ये 12 बैंड 1/2 इंचेस है। अब इस डिज़ाइन से हम चाहें तो क्विल्ट बनाएं, पिल्लो कवर बनाएं। जैसे पिल्लो कवर के लिए हम इधर कपड़ा बढ़ा लेंगे तो ये हमारा पिल्लो कवर बन जाएगा,
तो मैं इसका कुशन कवर बना रही हूँ। बेडशीट भी बना सकते हैं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन से मैं कुशन कवर का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो बैक का पार्ट मैं अब कट करती हूँ। ये मैंने कुशन के लिए बैक का कपड़ा कट कर लिया है। ये कपड़ा हमारा इस तरह से कटेगा, जैसे ये पीस है इसके पीस के बराबर हमारा ये कपड़ा बराबर आएगा। और इतना कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा एक्स्ट्रा है जो 6 इंच है। 6 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस कुशन के कपड़े के अलावा। अब इस कपड़े को हम उठा लेंगे और ये कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है, इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो गया है। अब ये दो पीस बन गए हैं हमारे। यहाँ पे हम इस पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और ये पीस हम आधा इंच तक ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पीस मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इनको सेट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पीस है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, जैसे सीधा रखेंगे, इस तरह से पीस को रखेंगे। अब ये हमारा दूसरा पीस है, इसके कोने हम ऐसे मिला लेंगे, और ये सिलाई वाला पार्ट हमारा इधर आएगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी सिलाई वाला हमारा सेंटर में आएगा, यहाँ से हम कॉर्नर मिला लेंगे। तो इतना स्पेस हमारा ये कपड़े का एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ से हम कुशन डालेंगे। ये हमारे दोनों पीस सेट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम या तो कच्ची सिलाई लगा लेंगे या हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। ये पिन मैंने लगा दी है। अब हम सिलाई करेंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में सिलाई लगाते हैं, आधा इंच हम छोड़ के सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम कुशन को सीधा करेंगे, जैसे ये कॉर्नर है इनको हम ऐसे निकाल के सीधा कर लेते हैं। कुशन कवर को मैंने सीधा कर दिया है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारा बैक साइड है, यहाँ से हम कुशन डालेंगे। ये देखिए हमारा कितने प्यारा डिज़ाइन बना है, पूरे कॉर्नर हमारे एकदम बराबर आया है। ये हमारा स्टार वाला कुशन बनके रेडी हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। और बनाते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।